I would be speaking on the practicals on electro stat. So the first experiment over here is Lilken's oil drop experiment. Lilken's oil drop experiment. So you can see here what is our aim today. This is our experiment number one, which is Milken's oil drop experiment. Okay, so Milken ne ek experiment kiya tha jisko hum Milken oil drop experiment bolte hain. इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने ये बताया था कि जो चार्ज है वो किसी भी मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और किसी भी वस्तु पर जो चार्ज होगा वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है, मतलब तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती है. इट विल बी डिस्क्रीट. डिस्क्रीट का मतलब है कि उस वस्तु पर जो चार्ज हो सकता है वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, या दो इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, या तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर हो. ऐसा नहीं हो सकता कि आधे इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या 3/2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो इस एक्सपेरिमेंट में हमारे तीन ऑब्जेक्टिव है बेसिकली, टू एक्सपेरिमेंटली डिमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ये कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे. दूसरा है टू फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप, टू फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप. ओके, व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? इट इज द वेलोसिटी व्हेन एनीथिंग इज नो मोर एक्सेलरेटिंग. ओके, सो वी से दैट जैसे आप हम लोग ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन एक पाइप में भर दिया आपने, और उसमें आप एक गोली डालें मान लो ग्लिसरीन की, तो वो क्या होगा, शुरू में तो उसकी स्पीड चेंज होगी, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट हो जाएगी. तो उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी. और तीसरा हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसमें, वो है टू फाइंड द चार्ज ऑन द ड्रॉप. ड्रॉप के ऊपर जितना भी चार्ज है वो निकालना है. ये जो भी मटेरियल मैंने लिया है इसको मैंने अमृता लैब है, जो हम गूगल में डालते हैं, वी लैब आई टी मुंबई, तो फिजिकल साइंस में जब जाते हैं तो अमृता वाला लिंक खोलते हैं, वहाँ से ये मटेरियल लिया हुआ है, और वो एक्सपेरिमेंट हम अभी देखेंगे कैसे करना है. ठीक है, तो हमें क्या चाहिए इसमें, मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप अपरेटस चाहिए, थोड़ा सा ऑयल चाहिए, और डीसी सप्लाई चाहिए. ओके, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ये किसने किया था, अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं जिनका नाम रॉबर्ट मिल्कन है, उन्होंने 1909 में ये एक्सपेरिमेंट किया था. और उन्होंने क्या मेजर किया था, इस एक्सपेरिमेंट को करके उन्होंने ये निकाला था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, मेजर द साइज ऑफ चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन. ओके, तो इस एपरेटस में क्या क्या चीज़ें होती है, एक ऑटोमाइजर होता है जिससे हम तेल की बूंदों को जो है वो स्प्रे कर सकते हैं, एक टेलीस्कोप होता है जिससे हम देख सकते हैं कि भाई पानी ये जो तेल की बूंदें हमने जो छिड़की है ये नीचे आ रही है कि नहीं आ रही है. दीज ड्रॉपलेट्स कैन बी व्यूड विद द हेल्प ऑफ दिस टेलीस्कोप. एंड देयर आर टू प्लेट्स इस सिस्टम के जो बॉटम पोर्शन है उसमें दो प्लेट होती है, एक पॉजिटिव होती है और दूसरी नेगेटिव प्लेट होती है, और इस इन प्लेट्स के अक्रॉस हम डीसी सप्लाई अप्लाई करते हैं तो हमें वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है. ठीक है, नाउ लेट अस सी द एक्सपेरिमेंट. तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट है जिसको हम मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. अगर आप फिजिकली इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पे सिंपल है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑटोमाइजर है. ठीक है, ऑटोमाइजर का मतलब जैसे वो नाई की दुकान में वो पानी स्प्रे करते हैं, वैसे ही ये इस डिबिया के अंदर ऑयल भरा हुआ है. ओके, और इस ऑयल को हम स्प्रे कर सकते हैं. ठीक है, और
यहाँ पे ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। इन दोनों प्लेट के बीच में हमने क्या लगाना है, इलेक्ट्रिक व्हील लगाना है यहाँ पे। और इस सारे सिस्टम को देख, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हम जैसे ड्रॉपलेट्स डालेंगे तो ये नीचे यहाँ पे एक होल है, इस होल के थ्रू ये जो है ड्रॉपलेट्स नीचे आएंगी। ओके, और इसके मोशन को हम देख सकते हैं, ठीक है, थ्रू विद द हेल्प ऑफ ए टेलीस्कोप। दिस इज अवर टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से हम ये जो तेल की बूंदें हैं जो नीचे गिरेंगी उनको हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। और इसी को थोड़ा जूम करके इन्होंने यहाँ पे ये दिखा दिया है। ये सब अमृता लैब से लिया हुआ है। ओके, तो ये दिखा रहे हैं कि ये तेल की बूंदें नीचे गिर रही हैं, तो उन्होंने डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस ठीक है, फिक्स है, जो है। और एक चीज उन्होंने और किया है कि यहाँ पे एक्सरे यूज भी किया है, हालांकि जनरली ये नहीं होता है नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट में। बॉटम चैम्बर के पास एयर को थोड़ा आयनाइज करने के लिए उन्होंने ये किया है। एज द ड्रॉपलेट्स ट्रेवल्स थ्रू द एयर, इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट ओवर द ड्रॉपलेट एंड नेगेटिव चार्ज एक्वायर। ठीक है, जनरली तो क्या है, फ्रिक्शन से ही जो चार्ज जनरेट हो जाता है, तो और एडिशनली करना है तो हमने एक्सरेज भी लगा दिए हैं विद द हेल्प ऑफ डीसी सप्लाई ओवर हियर, ठीक है, एंड ए वोल्टेज अप्लाई। अब ये इन दो, ये जो दो प्लेट्स हैं कौन कौन सी, एक तो ये वाली प्लेट और एक ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, तो मैंने रेड लाइन खींची यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों प्लेट के बीच हमने ये वोल्टेज, ये सप्लाई, डीसी सप्लाई जो है अप्लाई कर दिया है यहाँ पे। जब हम डीसी सप्लाई अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बाय एडजस्टिंग द वोल्टेज अप्लाइड, अब इस वोल्टेज को एडजस्ट करके इस ड्रॉप को हम एयर में सस्पेंड कर सकते हैं। तो मिल्कन ऑब्जर्व वन ड्रॉप आफ्टर अनादर वेरिंग द वोल्टेज एंड नोटिंग द इफेक्ट, ठीक है, मतलब उसने वोल्टेज वेरी कर करके देखा कि क्या इफेक्ट इसमें होता है। आफ्टर मेनी रिपीटेशंस ही कंक्लूडेड दैट द चार्ज कुड अज्यूम ओनली सर्टेन फिक्स्ड वैल्यूज, मतलब उसने ये देखा बार बार रिपीट करके इस एक्सपेरिमेंट को कि जो ये ऑयल ड्रॉप्स हैं इस पे जो चार्ज होगा इट हैज सम फिक्स वैल्यू, ठीक है, और बाद में हम देखेंगे कि ये फिक्स वैल्यू क्या आती है। ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट फॉर मेनी ड्रॉपलेट्स एंड कंफर्म दैट द चार्जेस वर ऑल मल्टीपल्स ऑफ सम फंडामेंटल वैल्यू एंड कैलकुलेटेड इट टू बी दिस वैल्यू। तो उसने देखा कि ये जो ड्रॉपलेट्स हैं इन ड्रॉपलेट्स पे उसने चार्ज कितना चार्ज एक्यूमुलेट होता है इसको कैलकुलेट किया, और ये पाया कि ये जो चार्ज की वैल्यू आती है यहाँ पे क्यू, दिस क्यू कम्स आउट टू बी ए सिंपल मल्टीपल ऑफ ई, ओके, एन इंटू ई, एन इज ए इंटीजर, ओके। तो उसने ये पाया कि ये जो जितने भी तेल की बूंदें थी उन सब पे जो चार्ज आया वो एक निश्चित नंबर जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और उसका सिंपल मल्टीपल होता है, ठीक है, इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, और उसकी वैल्यू उसने कैलकुलेट करके बताई हमको, ठीक है। और उसने कहा कि दिस इज द चार्ज ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब इसकी थ्योरी में हम जाते हैं, ठीक है। Initially, the oil drops are allowed to fall between the plates in the absence of electric field. मतलब पहले हमने electric field नहीं लगाया है, zero electric field है। हम कह सकते हैं यहाँ पे E is equal to zero। जो plate है, plate के बीच में जो electric field है, initially कितना है? Zero है, zero। Okay? Due to gravity, they accelerate first, but gradually slow down because air resistance। जैसे ये drop ऊपर से नीचे आएगी, ओके, तो शुरू में तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन क्या होगा कि जैसे जैसे नीचे आएगी उसका जो एयर फ्लो है, जो एयर रेजिस्टेंस है, दैट विल आल्सो बी देयर। तो कुछ समय के बाद ये जो ड्रॉप है इसका जो स्पीड है दैट विल बिकम कांस्टेंट, ओके, जिसको हमने V1 कहा है यहाँ पे। और अगर ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारी कितनी है, L1 है, अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, L1, तो हम इस वेलोसिटी को निकाल सकते हैं L1/T1। अगर आपको बहुत एक्यूरेट चाहिए तो आप कहोगे भैया चलो ठीक है हम जो है हाफ जो है ये नहीं लेते हैं, हाफ के बाद स्टार्ट करते हैं जो भी एग्जैक्टली कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है।
ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। वेयर एल वन इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑयल ड्रॉप एंड टी वन इज द टाइम टेकन। ओके, एंड यू नो दैट द ड्रैग फोर्स एक्टिंग अपॉन द ड्रॉप इज कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टोक्स लॉ एंड इज गिवन एज एफ वी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी वन। ओके, सो दिस इज द ड्रैग फोर्स एंड दिस इज द ड्रैग फोर्स बिकॉज ऑफ एयर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो ड्रॉप है, ओके दिस इज द ड्रॉप ओवर हियर, ये क्या कौन से ड्रॉप है, दिस इज ऑयल ड्रॉप, ये क्या है, ये जो हमने ऑटोमाइजर से हम ऑयल को वो कर रहे हैं, दिस इज अवर ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप। ओके, ऑयल ड्रॉप, दिस इज द ऑयल ड्रॉप। ठीक है, और इसका जो रेडियस है हमने मान लिया स्मॉल आर है, और इस पे जो ग्रेविटी फोर्स है वो तो आप जानते ही हैं, इट इज वर्किंग डाउनवर्ड, FGG। और इस पे जो ड्रैग फोर्स है बिकॉज ऑफ एयर, दिस इज FP, जिसका वैल्यू हमने पीछे लिखा था। तो इसका जो अपरेंट वेट हो जाए, अपरेंट वेट विल बी, आप ये आप यू नो दैट FG कितना होता है, इसका जो वेट होगा वो कितना होगा, इस बी एम इनटू जी, और मास किसके बराबर होता है, मास होता है आपका, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, रो इनटू बी, ओके, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम अपरेंट वेट की बात कर रहे हैं, ट्रू वेट माइनस अप थ्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम है, क्योंकि स्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप विल बी 4 पावर 3 इनटू r की पावर 3, एंड डेंसिटी वी हैव टेकन रो माइनस रो हियर, यू कैन पुट दिस जीरो इफ यू वांट। सो ऑल टर्मिनल वेलोसिटी, द ऑयल ड्रॉप इज नॉट एक्सेलरेटिंग, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऑयल ड्रॉप अब एक्सेलरेट नहीं कर रही है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूटन का दूसरा नियम है कि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। लेकिन इस ड्रॉप का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि ये तो टर्मिनल वेलोसिटी से चल रही है ना, बी कैसा है इसका, बी वन इज कॉन्स्टेंट, बी वन इज कॉन्स्टेंट हियर, बी वन इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट। तो वी वन कॉन्स्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये सो दिस इम्प्लाइज दैट दिस एक्सेलरेशन विल बिकम जीरो। ओके, सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इज इक्वल टू जीरो, एंड व्हाट आर द थिंग्स इन द नेट फोर्स, एक तो विस्कस फोर्स है और दूसरा ग्रेविटी फोर्स है। तो अगर ऊपर को जा रही है ड्रॉप और एफ बी ज्यादा है, मतलब तो एफ बी माइनस एफ जी दिस दे विल बिकम इक्वल, तो एफ बी इज इक्वल टू एफ जी, इट मीन्स दैट 6 पाई ईटा आर वी वन विल बी इक्वल टू 4 पाई बाय 3 r³ g ρ - ρ a। तो यहाँ से हम आर स्क्वायर निकाल सकते हैं, ओके, 9 ईटा वी वन बाय 2 g ρ - ρ a। सो वी हैव फाउंड द रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप, सो हियर आर इज द रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप, ईटा इज द विस्कोसिटी ऑफ एयर, वी वन इज द टर्मिनल वेलोसिटी, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड रो एयर इज डेंसिटी ऑफ एयर विच इज वेरी लेस। ओके, नाउ अभी तक हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था इस ड्रॉप पे, ये ड्रॉप जो है दिस वॉज फॉलिंग डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, और इस पे जो एयर की वजह से जो रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा था, हमने उसको लिया था एफ बी। यहाँ पे हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था। ठीक है, अब हम इस सिस्टम के अंदर ये जो है यहाँ पे और जो ऑयल ड्रॉप है, यहाँ से जब यहाँ तक आएगी ये, तो इन दो प्लेट्स के बीच क्या लगाया है, वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है। तो इसका बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, दैट वी हैव टू सी। ठीक है, नाउ ए फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉटम ऑफ द चैम्बर विद द सप्लाई वोल्टेज, तो इसके बॉटम चैम्बर में हमने सप्लाई वोल्टेज जो है वो अप्लाई किया, और जो ड्रॉप
जैसे जितनी मोटी ड्रॉप हमने यहाँ पे ली थी, ठीक है, उतनी मोटी ड्रॉप है ना, लगभग उतनी मोटी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इतनी और वहां जाके आप दूसरी ड्रॉप देखेंगे, सेम टाइप की ड्रॉप आपने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। द लाइकली लुकिंग ड्रॉप इज सेलेक्टेड एंड कैप्ड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड ऑफ द व्यू बाय एडजस्टिंग द वोल्टेज, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंसेस द ग्रेविटेशनल फोर्स द ड्रॉप सस्पेंड्स इन द एयर। अब हमने क्या किया है, ये जो ड्रॉप है इस ड्रॉप पे हमने, इसका ग्रेविटी तो है ही ऑलरेडी काम कर रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज वर्किंग ओवर हियर। तो जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तो ये जो ड्रॉप है आपकी, यहाँ कहीं आप बीच में इट विल सस्पेंड, इसको आप रोक सकते हैं बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और दूसरा केस ये है कि वही हमने आपको जो बताया कि देयर कैन बी टू थिंग्स, जब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब इसका एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मींस वी इज कांस्टेंट, या आपने सस्पेंड किया है, दोनों एक ही बात, दोनों ही केसेस में आपका एफ वी एफ जी के इक्वल होगा। और ये आपको मालूम होना चाहिए, दिस इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स, सो वी मल्टीप्लाई दिस बाय क्यू, एफ इज क्यू इंटू ई, आपको मालूम होना चाहिए। कल हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ई इज इक्वल टू कितना होता है, ई इज इक्वल टू होता है आपका एफ बाई क्यू, ठीक है। तो वहां से आपका एफ कितना आ जाएगा, क्यू इंटू ई, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेविटी के। किस केस में, जब या तो ये कॉन्स्टेंट स्पीड से नीचे गिर रही हो या आपने इसको सस्पेंड कर दिया, दोनों ही केसेस में। और ये जो ई होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, इसका रिलेशन वोल्टेज के साथ क्या होता है, ई इज इक्वल टू वी बाई डी, है ना, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। डी क्या है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड वी इज द वोल्टेज सप्लाई, ओके। तो ई की जगह हमने ये रख दिया है वी बाई डी, ओके, क्यू वी बाई डी, सो दिस इज इक्वल टू एम जी ना। इफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इज ग्रेटर देन द टू डाउनवर्ड फोर्सेस, अगर ये ज्यादा हो जाता है सपोज इससे, तो ये ड्रॉप ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगी, ओके। तो यही वो बोल रहा है, सम ऑफ द ड्रॉप्स विल स्टार्ट टू राइज, नाउ द इलेक्ट्रिक फोर्स विल एक्ट अपवर्ड्स, ग्रेविटी एंड विस्कस फोर्स एक्ट डाउनवर्ड्स, ठीक है। मतलब विस्कस फोर्स का काम यही है कि जो इस डायरेक्शन में आपकी ड्रॉप चलेगी उसको अपोज कर रहा है। तो अगर आपका ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की ओर है, ठीक है, अगर ये ड्रॉप ऑयल ड्रॉप अगर ऊपर की ओर चलती है तो इसका फोर्स कहाँ लगेगा, ग्रेविटी के सपोर्ट में आ जाएगा, और अगर ये नीचे की ओर गिरती है तो गिरने का विरोध करेगा, तो इसको विरोध करना है विस्कस फोर्स को, ड्रैग फोर्स इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। नाउ द इलेक्ट्रिक फोर्स विल एक्ट अपवर्ड, ग्रेविटी एंड विस्कस फोर्स विल एक्ट डाउनवर्ड, सो वी कैन फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग टर्मिनल वेलोसिटी वी टू इज सेम वही एल टू बाई टी टू। L is the time, L is the distance between these, two plates. Or if you are starting observation from here, you can take it from here. Okay. But you have to note the time from here to here, or here to here then. मतलब जब ये ड्रॉप ऊपर जा रही है तो आपको ये टाइम नोट करना है, तो हम इसको L टू बोल देंगे, ठीक है। सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी टू, ठीक है। Now we'll apply some physics over here. Now the total force acting on the drop will be like this. Okay, Fe minus F dash B minus F dash G. क्योंकि मैंने आपको बताया कि ड्रॉप ऊपर की अगर तरफ जा रही है, ओके, तो ड्रैग फोर्स आपका ग्रेविटी के सपोर्ट में आ जाएगा। तो Fe will be equal to Fb prime plus Fc. Fb dash is the new viscous force under the action of electric field. Okay. तो वी कैन नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस एफ ई, एफ ई की जगह हमने क्यू ई रख दिया, एफ ई डैश की जगह 6 पाई ईटा r v2 रख दिया, और एफ जी तो हमने जो यहाँ पे दिखाया था वो किसके बराबर था, 6 पाई ईटा r v1, यहाँ से इसको उठा के एफ जी को कर दिया, ठीक है, ये इधर, ओके। तो वी आर गेटिंग ई की जगह v बाई डी रख दिया है यहाँ पे, आर 6 पाई ईटा r को कॉमन ले लिया, v2 plus v1, यहाँ पे हमारा क्यू आ जाएगा, ये डी इधर पहुंच जाएगा और वी यहाँ पे आ जाएगा, 6 पाई ईटा r v2 plus v1, v1 v2 की वैल्यू हम नोट कर लेंगे, डी तो फिक्स है हमारा और वोल्टेज भी फिक्स है जितना हमको अप्लाई करना है,
and eta we know already, okay. And r तो हमने आपको बताया था कि इस इक्वेशन से निकाल लेंगे, ये जो इक्वेशन है यहाँ से, ओके, और इन सब वैल्यू को पुट करेंगे तो q की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है. तो मिल्कर ने ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया कई बार, मेनी टाइम्स, इस टाइम वेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपोज आयनाइज इन द एयर. एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अटैचिंग टू द ऑयल ड्रॉप वेरी. Then he obtained the values of P and it is found to be a multiple of 1.6. तो बार बार उसने ये Q की वैल्यू निकाली. तो जब उसने Q की वैल्यू निकाली तो उसने ये देखा कि जो भी वैल्यू Q की आती है, ओके, वो एक निश्चित नंबर का एक सिंपल मल्टीपल आती है. तो वो निश्चित नंबर क्या है? चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो थ्रू दिस ही मेजर्ड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. Now I am stopping. I hope you understand. अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी. तो स्टूडेंट्स भी जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही कर सकते हैं. वी लैब टाइप करो यहाँ पे. मैडम आवाज आ रही है ना आपको? यस सर क्लियर है सर. और गूगल भी दिख रहा है आपको? जी सर सर. ओके. और यहाँ पे स्टूडेंट्स भी इसी तरह से वी लैब IIT मुंबई कर सकते हैं. VLab IIT मुंबई आप करेंगे तो यहाँ पे आपको VLab का लिंक आ जाएगा. इस लिंक को आपने खोल दिया, ठीक है. लिंक को खोलने के बाद आप नाउ यू गोइंग ऑन टू द फिजिकल साइंसेज. तो फिजिकल साइंसेज में चाहिए तो इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, मे बी अराउंड 100 एक्सपेरिमेंट्स होंगे. तो चलो हम अपना वाला एक्सपेरिमेंट लेते हैं. दिस इज Milken soil drop experiment. It is here. ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में आप जाइए. ये सब थ्योरी मैंने यहीं से ली थी जो आपको समझाया अभी. ओके, और थ्योरी आपको देखना है यहाँ पे तो थ्योरी, प्रोसीजर आपको देखना है तो प्रोसीजर भी आप देख सकते हैं. तो इसमें जो सिमुलेशन है उसमें आपको क्या क्या निकालना है. L1 लेना है, T1 लेना है, डिस्टेंस ट्रेवल L2 एंड टाइम टेकन T2. टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है V1 V2. तो इस तरह की टेबल आप बना लें. ओके, और बैलेंसिंग पोटेंशियल और चार्ज ऑन द ड्रॉप फाइनली यहाँ पे आ जाएगा. सो दिस इज योर ऑब्जर्वेशन टेबल. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू द सिमुलेटर. सो दिस इज योर फॉर्मूला जो हमने लास्ट में बताया था आपको, भी 6 pi eta r V1 plus V2 into D upon capital V. ठीक है, V1 V2 हमको निकालना है. D is there and this is applied voltage. R हमने जो formula आपको बताया था वहाँ से रखना है. Okay, let me go on to the simulator now. तो यहाँ पे आपको पहले login करना पड़ेगा. तो मेरा login already है. आपका नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा. ठीक है, आपने login कर दिया यहाँ. तो यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम आएगी. आपको क्लिक हियर टू इनेबल द फ्लैश प्लेयर. तो इसमें आपको क्या करना है, बस ये जो आई दिख रहा है ऊपर इसमें अलाउ कर देने का है. ठीक है, आप अलाउ कर करेंगे और इसको रीलोड कर लीजिएगा तो आपका ये जो सिमुलेटर है वो खुल जाना चाहिए. तो ये सिमुलेटर आपका खुल जाएगा. तो ये आपका आ गया मिल्कन सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. देखो लैब में आप करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं देती है बूंदें जो गिरती हैं और इतनी तेजी से गिरती हैं कि समझ में नहीं आता है कब स्टॉप वॉच स्टॉप स्टार्ट करें और कब वो करें. इसमें इजी है. तो आपको क्या करना है, ये यहाँ पे आपने स्टार्ट बटन दबाया है, यहाँ पे ये सिस्टम आ गया आपका. ठीक है, अब इसमें दो ऑप्शन है. या तो ये जो ऑटोमाइजर है जो इसके अंदर ऑयल रखना है, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं या ग्लिसरीन ले सकते हैं. तो चलो हम ऑलिव ऑयल ले लेते हैं. ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि वोल्टेज कितना है, 0 है. ठीक है,
एक्सरे ऑन हमने नहीं किया है, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे स्टार्ट बटन है, और ये स्टार्ट बटन आपको कब करना है आप देखो, जैसे आप स्टार्ट करते हो तो वो जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वो टेंशन नहीं लेनी है। अब यहाँ पे आपकी ये ऑयल ड्रॉप है, ठीक है, यहाँ से गिरना चालू होती है, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 0 to 0.5 सेंटीमीटर। तो आपका L1 कितना हो गया, 0.5 सेंटीमीटर, बरोबर। और आपको ये जो ऑयल ड्रॉप नीचे गिर रही है यहाँ से यहाँ तक, जब यहाँ आती है तो आपको ये क्लॉक स्टार्ट कर देनी है, और जैसे ये यहाँ पे आती है ऑयल ड्रॉप, वैसे ही ये जो है आपको स्टॉप कर देना है, ठीक है। सो लेट अस टेक वन टाइम, तो आपको लिखना है L1 इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, ओके, L1 इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर लिख लिया आपने L1, और T1 आपको, अब आप कोई भी एक ड्रॉप जैसे ये आ रही है, मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, देखो ये वाली ड्रॉप, ठीक है, जैसे ये यहाँ, और बाकी ड्रॉप नहीं देखनी है, सिर्फ ये ड्रॉप देखनी है, जब ये जैसे यहाँ पे आएगी वैसे ही मैं स्टॉप कर दूंगा इसको, स्टॉप। तो कितना आया, 5 मिनट 53 सेकेंड का टाइम आ गया, T1 इज इक्वल टू 5.053 मिली सेकेंड है ना, ये वो देखना है आपको, ठीक है। अब इसी तरह की हमको सेम टाइप की ड्रॉप लेनी है, ओके, और हमको वोल्टेज ऑन करना है। तो अभी आप देखो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, तो ये ड्रॉप जो है ऊपर नीचे जाना शुरू हो गई, ठीक है। तो कोई एक वोल्टेज ले लिया हमने, ये जो ड्रॉप आपको दिख रही है मैं इसको लेना चाह रहा हूँ, ये वाली ड्रॉप जो है ये इधर इधर ये वाली, क्योंकि वो इतने सिमिलर तक आएगा जी। अब मैंने इसको यहाँ पे रोक लिया, देखो वोल्टेज अप्लाई करके, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ से छोड़ूंगा ये थोड़ा, इट विल स्टार्ट गोइंग अप नाउ, ओके, नाउ आई कैन स्टार्ट द टाइम हियर। तो ये जो ड्रॉप है जो ऊपर जा रही है अभी, तो ये कितना डिस्टेंस चल रही है, बीच में से हमने स्टार्ट किया है, तो D2 कितना, L2 कितना हो जाएगा, 0.25 सेंटीमीटर, और T2 कितना हो जाएगा, वो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे अभी, जैसे ये ऊपर टच करेगी, देखो अब ये टच कर रही है, तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया, तो 15, तो T2 कितना हो गया, 15.025 मिली सेकेंड दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, ओके, नाउ यू कैन सी हियर, जो वोल्टेज है वो आप वोल्टेज लिख लो यहाँ पे, 3700 वोल्ट, और जो ऑयल डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द ऑयल वो भी आपको दिया है, डेंसिटी ऑफ ऑयल, सो ओके 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पहले आप V1 निकाल लो L1/T1 करके, फिर आप V2 निकाल लो L2/T2 करके, ठीक है, और फिर आपने ये वोल्टेज आपको दिया है 3700, और डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज गिवन 920, और डी भी आपको दिया है 0.5 सेंटीमीटर। ये सारी प्रोसेस आप करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे ये जो हमने आपको बताया था तो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये जो क्यू आएगा दैट विल बी ए सिंपल मल्टीपल ऑफ सम फंडामेंटल क्वांटिटी विच वी कॉल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन प्लीज आस्क। तो इसके बाद इसमें असाइनमेंट भी दिया है, देखो अब तो आप मुझसे पूछा है कि एक ऑयल ड्रॉप है जिसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, इसको स्टेशनरी होल्ड किया है इतना फील्ड लगाने के बाद, ओके, द डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप इज दिस मच, एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप। जो फॉर्मूला हमने बताया था रेडियस का, उसमें ये सारी वैल्यू आप पुट कर दें तो आपका रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप निकल जाएगा, ओके। फिर यूज द सिमुलेशन एंड फाइंड आउट द चार्ज ऑन एनी 5 ड्रॉप्स, किसी भी 5
कोई भी जैसे हमने एक ड्रॉप लिया है, आप कोई भी पांच ड्रॉप लें और उस पे कितना चार्ज आता है, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, और फिर आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालें उससे। ओके, व्हाई बबल्स आर रेजिंग अप थ्रू वाटर और एनी लिक्विड। तो यहाँ पे थोड़ा सरफेस टेंशन की कॉन्सेप्ट भी आती है। व्हाई टिनी ड्रॉप्स बिकम्स क्लाउड, अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप एंड इट्स रेडियस। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक्सपेरिमेंट में असाइनमेंट है, ये आपको अच्छा लगेगा। और सिमुलेटर से आप बार बार जो है वो करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप बोलिए। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्टार्ट रखना है आपको, ये आपको जूम करके दिखा देगा। ऑलिव ऑयल ले लो चाहे ग्लिसरीन ले लो आप। ठीक है, अभी आपने जब वोल्टेज ऑन नहीं किया है तो देखिए ड्रॉप गिर रही है, यहाँ पे स्टॉप कर दो। ये दिस इज द क्लॉक फॉर टेकिंग द टाइम। तो कोई भी एक आप ड्रॉप ले लीजिएगा यहाँ पे, तब वो यहाँ से गिरती है। ये जैसे बड़ी वाली गिरी है तो बहुत बड़ी है। ओके, थोड़ी छोटी ड्रॉप आएगी तो वहाँ से हम ये यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, ये वाली ड्रॉप हम देख रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे आएगी हम इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ से आपने क्या, ये T1 मिल गया और L1 आपका ऑलरेडी है। ठीक है, दूसरा क्या करना है आपको, फिर वोल्टेज ऑन करना है। वोल्टेज ऑन करके क्या करना है, ये जो ये वोल्टेज एडजस्ट करना है आपको। ठीक है, वोल्टेज जैसे ही आप एडजस्ट करना शुरू करोगे तो ये देख रहे हो ये जो है ड्रॉप, जो ये वाली दिख रही है, ये वाली जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ पे बैलेंस कर लिया, ये यहाँ पे। ओके, लाइक दिस, सो इट इज गोइंग अप। सो आई कैन स्टार्ट द टाइम हियर एंड आई कैन टेक वन वोल्टेज ओवर हियर, आई कैन टेक द सेकेंड टाइम। सो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी L2, मान लो यहाँ पे 0.25 है, और जो टाइम टेकन है T2, वो आपने निकाल लिया है। वोल्टेज आपको गिवन है, यहाँ पे ऑयल डेंसिटी भी गिवन है, तो आप ये जो फॉर्मूला है, हाँ गया, इस फॉर्मूले की मदद से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं, टू की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए आप। ये बहुत बढ़िया इंडियन गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया है, जिन बच्चों के पास लैब नहीं है वो पूरा इसको समझ सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जब वो जो ऑयल ड्रॉप आ रही है तो ऑयल ड्रॉप के साइज का कोई इफेक्ट नहीं है? मतलब जैसे हम विदाउट वोल्टेज अप्लाइंग कोई भी ऑयल ड्रॉप कोई भी साइज की ले रहे हैं, उसके बाद जब हम वोल्टेज ऑन कर रहे हैं उसके बाद हम कोई भी साइज कंसिडर कर सकते हैं ड्रॉप का? नहीं, ऐसा है जैसे आप कोई भी साइज ले सकते हैं, ओके, लेकिन आपको ऐसी ड्रॉप लेनी है जिसकी वेलोसिटी आपको कंसिस्टेंटली दिखाई दे। ओके, अकॉर्डिंगली, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन टर्मिनल वेलोसिटी ओवर हियर। यस, ओके, तो अगर आपने विदाउट एनी दे, वोल्टेज ऑन किए जो भी ड्रॉप ले रहे हैं आप, उसी टाइप की ड्रॉप आपको तब लेनी है जब आपने वोल्टेज ऑन किया ओके, है। सेम टाइप की ड्रॉप हमें, मतलब ठीक साइज ऑलमोस्ट हमें सेम रखना है। है, हाँ, ये दैट इज अ क्वेश्चन सर, कि सेम टाइप की रखना है ना हमें साइज? इज इट क्लियर नाउ? यस यस सर। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड इफ यू अंडरस्टैंड देन इट इज गुड। ओके, फाइन। So I will be moving on to the second experiment. Give me just 2 minutes, please. So I am stopping here for this experiment. So this is the second experiment now. So we'll try to. Here, this is a Verdi graph generator. So he was an American physicist. इसका नाम था डॉक्टर रॉबर्ट जेमिसन वैन डी ग्राफ।
डिवाइस हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज, मतलब इस डिवाइस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि बहुत हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, एज हाई एज 20 मिलियन वोल्ट्स, 20 मिलियन मतलब 20 to 10 to 6 वोल्ट्स. वेंडीग्राफ इन्वेंटेड द जनरेटर टू सप्लाई द हाई एनर्जी नीडेड फॉर, मतलब इसको उसने इन्वेंट किया किस लिए कि पार्टिकल एक्सलरेटर्स में हमको पार्टिकल को एक्सलरेट करने के लिए बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए उसने इसको इन्वेंट किया. दीज एक्सलरेटर्स आर नोन एज एटम स्नैचर्स बिकॉज दे कैन एक्सलरेटर एक्सलरेट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स टू वेरी हाई स्पीड्स एंड स्मैश देम टू द टारगेट एटम. द रिजल्टिंग कोलिजन क्रिएट्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड हाई एनर्जी रेडिएशन सच एज एक्स रे. द एबिलिटी टू क्रिएट दीज हाई एनर्जी पोल्यूशन इज द फाउंडेशन ऑफ द पार्टिकल एंड न्यूक्लियर. ठीक है. द वर्किंग ऑफ दिस जनरेटर इज बेस्ड ऑन बेसिकली टू प्रिंसिपल्स. फर्स्ट वन इज डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ चार्ज पॉइंट दैट इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस इन एयर और गैस रेडियली एट पॉइंट ऑफ कंडक्टर्स. इफ द चार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट इनटू इंटरनल कॉन्टेक्ट विद द होलो कंडक्टर ऑल ऑफ चार्ज ट्रांसफर्स टू द सर्फेस ऑफ द होलो कंडक्टर नो मैटर हाउ हाई द पोटेंशियल ऑफ द लिक्विड. तो इसमें जो है लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नाउ थ्योरी बिहाइंड कंडक्शन थ्योरी दैट वी हैव टू सी. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो व्हाट वी हैव एक्चुअली वी आर हैविंग द टू स्फीयर्स हियर. तो मान लो ये आपका ये स्फीयर है बड़ा वाला है, ये हॉलो स्फीयर है, इस पे चार्ज कितना है क्यू है. तो अगर इस पे चार्ज क्यू है और इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर है, तो एट एवरी पॉइंट मतलब यहाँ सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा 1/4 epsilon into Q/R. पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ लार्ज सेल ऑफ रेडियस इज हाउ मच 1/4 epsilon into Q/R. और इस एक हमारे पास छोटा वाला है, इस छोटे स्फीयर को मान लो हमने इसके अंदर रख दिया. ठीक है, दिस इज नॉट ए स्फीयर, जो आउटर है वो क्या है, दिस इज ए सेल. ओके, सेल ओवर हियर, रिमेंबर द सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, फॉलो सेल, इट इज खोखला गोला है. और पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर कैरिंग चार्ज क्यू विल बी हाउ मच, मतलब ये जो छोटा वाला स्फीयर है इस पे भी चार्ज मान लो हमने कहा क्यू है, स्मॉल क्यू. ओके, और इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर कैरिंग चार्ज विल बी 1/4 epsilon naught into Q/R. ओके, taking both charges q and q into account we have the total potential v and the potential difference is given as before. Abhi we are over here, what is the potential v r is 1/4 epsilon naught q/r. It is because of the bigger sphere. This charge is taken as capital q and it is capital q, matlab ye bada is badi sphere cell hai, iske charge hai capital q. Okay, और इसका रेडियस, ये जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और ये जो छोटा स्फीयर है इसके चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू है, और इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल. तो इस पॉइंट पर ये जो बड़ी सेल है, स्फेरिकल सेल है, इस बड़ी सेल पर इसकी अपने खुद की वजह से कितना पोटेंशियल हुआ, Q/Q/R. और इस छोटा जो स्फीयर है, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल हियर, बिकॉज यू नो फ्रॉम द सेल थ्योरम एनी पॉइंट इनसाइड ओके विल बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज ओवर हियर. तो ये जो बड़ी सेल पे जो भी पॉइंट है वो इस छोटी
छोटे स्फीयर को ऐसे ट्रीट करेगा जैसे कि इसका सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है, तो इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा, क्यू बाई कैपिटल आर, नॉट स्मॉल आर, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो दिस इज द पोटेंशियल एट द सरफेस, विच सरफेस, दिस इज वी कैपिटल आर। व्हाट इज दिस वी कैपिटल आर? इट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ दिस हॉलो स्फीयर बिकॉज ऑफ बोथ, ठीक है। अभी हम इसकी छोटे वाले की बात करते हैं, छोटे इस स्फीयर की बात करते हैं, स्मॉल स्फीयर जो है, ये जो स्फीयर है यहाँ पे, इस स्फीयर पर बिकॉज ऑफ कैपिटल क्यू चार्ज द पोटेंशियल विल बी कैपिटल क्यू बाय आर। और इसका अपना तो क्योंकि आपको मालूम है कि पोटेंशियल इनसाइड ए सेल रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है। पोटेंशियल इनसाइड ए सेल रिमेन कॉन्स्टेंट ओवर हियर, अगर हॉलो सेल है तो हर एक पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, सेम क्यू बाई आर बिकॉज ऑफ आउटर क्यू सेल, और इसकी अपनी वजह से कितना होगा, स्मॉल क्यू बाई आर, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला है यहाँ पे, ये जो स्फेरिकल स्फीयर है, इस स्फीयर पे जो पोटेंशियल है वी स्मॉल आर, वी हैव गॉट दिस वैल्यू, मतलब V capital R और V small R, these are two values। तो जब हम दोनों का डिफरेंस लेंगे यहाँ पे V R माइनस V R, तो जो टर्म्स कॉमन है जैसे Q by R है, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, और 1 by R Q तो बाहर, माइनस 1 by capital R, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जो जिस्ट है, जो समझने वाला पॉइंट है, वो जो तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, यू सी हियर, ये जो वैल्यू होगी वी आर माइनस वी आर, वो हमको देखना है। आर आर क्या है, इस कैपिटल आर से छोटा होगा, तो ये जो वैल्यू है वो बड़ी होगी कि नहीं, वो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब वी आर माइनस वी कैपिटल आर विल बी ए पॉजिटिव ऑलवेज। And in this expression, there is no capital Q here. Can you see in this expression there is no Q, capital Q? So since there is no capital Q over here, that is why this potential on a small sphere will always be more than this is the potential over here. तो इससे क्या होगा कि जो भी चार्ज हम यहाँ पे रखेंगे और फिर इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, तो वो जो चार्ज है, then when there is a potential difference, you know, and when this potential is high and this is at low potential, all the charge whatever you put over here will immediately go into this outer cell if you are connecting this through some conducting thing over here. So through this we can produce a very very, you know, big amount of charge over here. Okay, and you know charge is connected to the voltage or potential, so we can produce high potential, and through that we can you know, so this is the expression which we have, V R minus Q by root 1 by R minus K. Now assume that Q is positive, we see that here jo baat maine aapko batai wahi words mein, the amount of charge Q that may have accumulated on the larger spherical cell, it is always at higher potential, the difference is always positive, the potential due to Q is constant up to radius R and so cancels out the difference. वो तो मैंने आपको बताया था जब हमने difference लिया था. This means that if we connect a smaller and larger sphere by a wire, sphere की जगह cell लिखना चाहिए इसको. Okay, उसी में ये है वहाँ से तो गड़बड़ गया एक्चुअली. Cell by a wire, the charge Q on the former will immediately flow on the matter. Though the charge Q may be quite large, the natural tendency is for charge की tendency क्या होगी कि वो हमेशा high potential से low potential पे जाने की कोशिश करेगा. Low potential मैंने बताया कि जो छोटा वाला जो radius है, ये हमेशा high potential पर है, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, क्योंकि इसमें कोई कैपिटल क्यू नहीं है इस फॉर्मूले में, यहाँ पे जो डिफरेंस है उसमें कोई कैपिटल क्यू नहीं है, तो इसका मतलब है ये हाई पोटेंशियल पे और ये लो पोटेंशियल पे है. तो जो भी चार्ज रखोगे यहाँ पे और उसको कनेक्ट करोगे, तो वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे
चला जाएगा और इस तरह से हम आउटर सेल पे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को इकट्ठा कर सकते हैं और उस चार्ज के इकट्ठा होने की वजह से बहुत हाई पोटेंशियल हम जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फिगर दिखा है इसका वेंडीग्राफ जनरेटर का। तो बेसिकली क्या है, ये आपका आउटर सेल है ओके, और ये आपका इनर स्फीयर है छोटा वाला, और बेसिकली और यहाँ पे हम चार्ज को स्प्रे कर रहे हैं। तो ये बेल्ट है, इस बेल्ट के थ्रू चार्ज को हम एक जगह से, मतलब ये यहाँ पे हमने कुछ ऐसा बर रखा है जिसमें चार्ज जैसे समझो, इसको हम यहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं, इस प्लस चार्ज को स्प्रे कर रहे हैं। तो प्लस चार्ज बेल्ट के थ्रू यहाँ पे मूव कर रहे हैं ठीक है, और इसको हमने ये छोटे वाले को इससे कनेक्ट किया हुआ बड़े वाले से। तो सारा का सारा चार्ज जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है, और ये हमने किसी कंडक्टर से कनेक्ट किया हुआ है इसको इससे ओके, तो सारा चार्ज ये आउटर स्फीयर में आउटर सेल में एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे ये दिस नाउ बिकम्स हाई वोल्टेज टर्मिनल ओवर हियर बिकॉज ऑफ दिस प्लस चार्ज। और यहाँ पे हमने कोई पॉजिटिव आयन चार्ज लिया है और जिसको भी हमको एक्सेलरेट करना होता है उसका हम आयन बना लेते हैं और इसके करीब में लाते हैं। तो ये आप देखते हैं कि बहुत हाई स्पीड के साथ जो है ये इधर इस लाइन में चला जाता है। यहाँ पे एक ड्राइविंग मोटर है, तो इस पुली को, ये पुली इधर है इधर है, इसको ये रोटेट करती रहती है। दिस इज द एक्सेलरेटिंग ट्यूब ओवर हियर, और जो भी सैंपल की स्टडी करनी होती है, जिस जहाँ भी बॉम्बार्डिंग करना होता है उस सैंपल को हम इस टारगेट के सामने रख देते हैं सैंपल ओके। सो इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज मेटल इज माउंटेड ऑन हाई इंसुलेटिंग सपोर्ट, बेल्ट दिया हुआ है इसमें, दिस इज वर्टिकल पुलीज आर देयर P1 एंड P2, P2 इज द सेंटर ऑफ द मेटल स्फीयर एंड P1 इज द वर्टिकल ब्लॉक P2। द बेल्ट इज रन बाय इलेक्ट्रिक मोटर, ये एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है इसके थ्रू हम बेल्ट को घुमाते हैं। तो जो चीज मैंने बताई वही यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है। तो नाउ लेट अस ट्राई टू सी द एक्सपेरिमेंट नाउ ओके, बैक दिस इज द एक्सपेरिमेंट इन आई थिंक इन योर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, दिस वन वर्चुअल इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो बंद कर देते हैं वर्चुअल इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इट इज ओपनिंग नाउ। तो दिस इज योर वेंडिंग ग्राफ जनरेटर हियर। तो थ्योरी तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बस इसमें जो चीज है वो ये समझने वाली है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमेशा ये पॉजिटिव आता है, मतलब अंदर वाले स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो हमेशा ज्यादा है, बाहर वाला जो आउटर सेल है उसका पोटेंशियल कम है, इसलिए चार्ज ट्रांसफर हो जाता है ओके। प्रोसीजर भी आप चाहो तो देख सकते हो यहाँ पे, इसमें ज्यादा बटन नहीं है, ये छोटी सी क्विज भी दी हुई है, अगर आप चाहो तो ये क्विज भी कर सकते हो ओके। देन लेट अस मूव ऑन टू द एक्सपेरिमेंट सिमुलेटर। तो दिस इज द सिमुलेटर ओवर हियर ओके। लेट मी टर्न ऑन दिस सो यू कैन सी दिस बेल्ट ओवर हियर, दिस इज द आउटर सेल एंड इट इज नॉट बी शोन हियर, दिस अ कॉम्ब इज बीन शोन ओवर हियर, सी दिस कॉम्ब हियर एंड और यू कैन नाउ द चार्ज इज is being, this is the motor over here, this motor is rotating this, इसमें हमको एक साइड ही दिखाई दे रहा है, दूसरा साइड दिखाई दे रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इधर जा रहा है और ये जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो देन इट इज कमिंग ओवर टू हियर ऑन दिस। सो वी कैन एक्यूमुलेट वेरी हाई पोटेंशियल ओवर हियर, दिस इज बीइंग शोन हियर, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है इसके करने के लिए, दिस इज द सिमुलेशन ओवर हियर।
You can see the assignment here, draw a neat level diagram of welding up generator. और डिस्कस द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वेल्डिंग आर्क जनरेटर, तो उसमें आपको जो फॉर्मूला मैंने अभी दिखाया है वो आपको यूज करना है. वी आर, वी एट स्मॉल आर एंड वी एट कैपिटल आर. ओके, तो इसमें ये क्वेश्चन दिया है, इंसुलेटर्स ऑफ द हाई टेंशन टावर यूज फॉर हैंगिंग इलेक्ट्रिक केबल्स आर आइदर ग्लास और टोकिंग डिस्क. ओके, तो वो पूछ रहा है व्हाई दे आर सेलेक्टेड एज डिस्क सेफ. ओके, इसका आंसर भी हम अभी देखेंगे आपको. विल शो यू दैट डिस्कस व्हाट हैपन इफ मैन टच द वेंडिंग आर्क जनरेटर, कंसीडर ऑल पॉसिबल सिचुएशंस लाइक चार्ज ऑफ द स्पेस टू हाई और लो एंड मैन इज स्टैंडिंग ऑन द इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म और कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म व्हाइल टचिंग द स्फीयर. तो यहां पे एक तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो ले लेते हैं पहले, उसका मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको. आई होप यू अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर 5, कि अगर एक आदमी उस स्पीयर को टच कर गए तो क्या होता है. अगर वो मान लो नॉन कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तब क्या होगा, और एक कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तब क्या होगा. ठीक है मैडम, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस सर. एंड दिस लेडी इज, कैन यू सी हर हेयर्स? यस यस. आर यू एबल टू सी? यस सर. एनिमेशन, या सो दिस इज अ लेडी ओवर हियर एंड सी इज टचिंग द दिस यू नो स्फेरिकल सेल. ठीक है, और इसको किस पे खड़ा किया हुआ है? ये इंसुलेटिंग प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर खड़ा किया है. Now she is touching it. तो आप देख रहे हैं इसकी जो हेयर्स है वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेटन हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो चार्ज है वो दैट इज गॉन इन टू द बॉडी, लेकिन करंट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ी हुई है. और ये जो आपको हेयर्स दिखाई दे रहे हैं ये खड़े क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये सब पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसलिए वो दिखाई दे रहे हैं आपको इस तरह से. ये दिख रहा है, यू कैन सी दिस. And each hair here also, you should know that it is showing the direction of the electric field also. Okay, so I am thankful for Thomson Publication UK for providing you know such kind of small animations to understand the concept in an interesting way. Okay, let us leave it over here now. And okay, let us see the second question. The fourth question tha, wo bhi ek baar dekh lete hain ki wo is tarah se kyun hota hai, ki question kya tha wo. Teen question to shuru ke simple hi hain, isme to kuch hai nahi khas. Okay, draw a neat level diagram for Wendy graph. Okay, discuss the principle of construction and working of Wendy graph. Ye question main bata sakta hu aapko. डिस्कस द यूज ऑफ वेंडिंग ग्राफ, ये भी बता चुका हूँ, क्योंकि इसकी मदद से हम पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं, हाई एनर्जी और मोमेंटम दे के बड़े बड़े मतलब आई मीन एटम्स या मॉलिक्यूल्स या इवन न्यूक्लियस को हम ब्रेक कर सकते हैं और इसके अंदर के स्ट्रक्चर को हम जान सकते हैं. तो ये यूज है वेंडिंग ग्राफ जनरेटर्स का. और भी बहुत सारे यूजेज हैं, जैसे हम प्रोटॉन को एक्सेलरेट करते हैं, बीआरसी मुंबई में, तो वहाँ पर एक टेक्निक है जिसका नाम है पिक्सी,
प्रोटॉन इग्निशन, तो हम प्रोटॉन को एक्सेलरेट करते हैं, या जैसे न्यूक्लियर साइंस सेंटर दिल्ली है, न्यूक्लियर साइंस सेंटर दिल्ली में भी ये वेल्डिंग आप टाइप का ही सिस्टम है, जहाँ पे हम कोई भी जो भी मटेरियल जो भी बीम हमको चाहिए होती है उस बीम को पार्टिकुलर स्टेट में हम इसको बनाते हैं, जैसे क्यू इक्वल टू प्लस थ्री चाहिए या प्लस फोर चाहिए, जो भी आपको स्टेट चाहिए, जैसे हमको सिल्वर बीम चाहिए या हमको आर्गन बीम चाहिए, तो उस बीम को हम एक्सेलेट कर सकते हैं। तो जैसे इसी तरह का पूरा सिस्टम होता है। दिस इज व्हाट विल हैपन इफ अ मैन टच अ हैंडीक्राफ्ट जनरेटर, ये क्वेश्चन मैंने सेट कर दिया। Consider all possible situations like charge is too high or too low, you may be standing on an insulated platform or conducting pe khada hai to current lag jayega, dhyan rakhna hai, because the charge will pass through the body and to that and the circuit will become complete. The question 4 ye tha ki insulators of high tension tow or use the hanging electric cables are either glass, ye to material ki baat kar raha hai, ye dekhiye ye purane zamane ka aapka wo hai जिसके थ्रू हम वायर्स को मतलब टाई करते हैं कमरे में और पावर को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करते हैं। अभी थोड़ा मॉडर्न है यहाँ पे, शेप वही है, तो ये पूछ रहा है कि हम ये डिस्क टाइप का क्यों लेते हैं, तो उसका आंसर ये है कि ओवरहेड लाइन ऑफ वोल्टेज 33 किलो वोल्ट सपोज अगर है तो and have a use of disc type insulators, it is safe such that the leakage path is maximum and during rain water doesn't enter, matlab rain water ke andar enter nahi kare, ek to ye aur dusra ye hai ki iski bottom pe deposit bhi na ho, okay, aur jo iske andar agar kuch dust wagera accumulate hoti hai to apne aap hi wash away hota hai, so this ensures that the flash over arc path is longest and gets as easily, or dusra reason hai ki water to ek long path mein hai to higher resistance create ho jati hai, so for safety purpose basically we are using the disc type of you know things to tie the wires. Thank you very much.